तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार में। देखिएगा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था बच्चे, हमने जो उसमें स्टडी किया था, हमने क्या क्या स्टडी किया था एक बार फटाफट देख लेते हैं। हमारा जो चैप्टर बेटा, चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा है, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा है। और चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? चैप्टर फर्स्ट है बेटा आपका जीवों में जनन, ठीक है? तो हम इस चैप्टर फर्स्ट को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं आपका बायोलॉजी का, किसका? क्लास 12th का, ठीक है? चलिए, तो अब इसमें हमने जो स्टडी कर लिया था एक बार वो देख लेते हैं। हमने देख लिया था जीवन चक्र आपका क्या होता है, उसके बाद हम देख चुके हैं कि कुछ जीवों की लाइफ टाइम देख लिया कितना है, हमने रिप्रोडक्शन देखा रिप्रोडक्शन होता क्या है, हमने उसके बाद में देखा रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या क्या होता है आपका, उसके बाद हमने देखा कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चे आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है बच्चे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इन दोनों को ही स्टडी करेंगे अब आपका। देखिएगा, इनको एक आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं, ये जो जनन आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये जनन आपने बताया कि ये आपका दो तरीके का है, ठीक है? ये जो जनन है ये आपका दो तरीके का बताया, जैसे कि हाँ बिल्कुल सर, दो तरीके का। एक बताया आपका लैंगिक, है ना बेटा? एक बताया आपका लैंगिक जनन और एक आपका बताया अलैंगिक जनन। अब आपने कहा सर ये लैंगिक और अलैंगिक जनन है क्या? बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा बेटा, हमेशा याद रहेगा आपको। देखो, लैंगिक जनन वो होता है जिसमें लिंगों की जरूरत पड़ती है अलग अलग, जैसे प्रतीकों की। यानी इसमें याद रखना बच्चे आपका कि दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे, दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे जिनके जेनेटिक कोड से जाके आपका नए संतान की उत्पत्ति होगी। अगर आपसे पूछा जाए सर लैंगिक जनन क्या है, तो बहुत ही इजीली आप डिफाइन करके बता सकते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है गुरुदेव, वो क्या होता है, ठीक है? लैंगिक जनन बेटा बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, जिसमें आपके दो अलग अलग पेरेंट्स की आवश्यकता होती है बच्चों को उत्पन्न करने के लिए, वो लैंगिक जनन है। जिसमें आपको सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसमें आप ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहां पे सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब इस टाइप का जनन होता है उसे बोला जाता है आपका अलैंगिक जनन। क्या बोला जाता है ऐसे जनन को बेटा? अलैंगिक जनन। तो अब आप यहां से इनसे इजीली समझ गए होंगे लैंगिक जनन क्या होता है। देखो, जिसमें अलैंगिक हो गया है इसमें आपका सिंगल पेरेंट्स होंगे, इसमें क्या होंगे बेटा आपके? सिंगल पेरेंट्स होंगे, और इसमें आपको पेरेंट्स के कपल की आवश्यकता पड़ेगी। बस बहुत इजीली अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इजीली तरीके से ऐसे डिफाइन करके बता सकते हैं, ठीक है? बट हम इन्हें एक एक करके देखते हैं, हम इन्हें एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम आज अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो आपका अलैंगिक जनन है ये क्या है, ठीक है बच्चे? तो हाँ, एक चीज और, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चे, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, मित्रों को, यार दोस्तों को बताइएगा, थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा हमें भी, ठीक है? उन्हें भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, उन्हें बताइएगा लिंक कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सारी जानकारी उन्हें दीजिएगा, ठीक है बेटा? इसे आपका अलैंगिक जनन जो होता है ये क्या होता है, जो आपका अलैंगिक जनन है जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? इंग्लिश में से बोला जाता है आपका असेक्सुअल रिलेशनशिप या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? कॉन्सेप्ट को बेटा हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, क्योंकि ये जो है ये आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर होगा, किस तरीके से होगा, सब चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब आपसे पूछ रहा है सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जिसमें आपका सिंगल पेरेंट्स हो वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
जिसमें क्या हो बच्चे आपका सिंगल पेरेंट्स हो, यानी आपका उत्पन्न करने वाला मेल और फीमेल एक ही जगह हो, वो आपका अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। इसे आपका एकल जीव जनन, यानी सिंगल या फिर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है आपका। तो इसे यहां से याद रखिएगा कि इसका एक अन्य नाम और है, क्या नाम है बच्चे आपका, आप सीधा बोल देंगे इसे क्या कहते हैं बच्चे आपका, इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। यानी एक अकेला जीव ही जनन करने लग जाए, रिप्रोडक्शन करने लग जाए, ठीक है, तो उसे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, हमने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, एक पॉइंट तो हमने यहां से ये वाला फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है सर और पॉइंट भी बताइएगा, तो बेटा और पॉइंट के तौर पर आप यहां से एक एक करके सारी चीजें देखना। ये जो जनन है, कह सकते हैं ये जनन की एक सरल विधि है, बहुत ही सिंपल विधि है। इसमें क्या होगा, एक ही जीव अपने बिल्कुल डिक्टो कॉपी, अपनी प्रतिलिपि कार्बन कॉपी को उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद जो संतान होती है, जो भी होंगी आपकी, उसका आकार ये, जिसे आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल या फिर अनुवांशिक, जिसे आप जेनेटिक बोल देंगे, दोनों प्रकार से अपने जनकों के समान होती है। जैसे मतलब मेन चीज ये समझना कि इससे आपका एकल जीव जनन कहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, एकल जीव जनन की खासियत क्या है बेटे, आप सीधा बोल देंगे सर ये जो है ये सबसे आसान रूप है रिप्रोडक्शन का, एक ही जीव अपने ही समरूप कॉपिया यानी प्रतिलिपियों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो बल्कि यहां पे लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूं बच्चे इसमें आपका, ठीक है, जो संतान होती है ना बेटा, ठीक है, यहां पे लिख देना, संतानें आकारीय, आकारीय मतलब जो साइज वगैरह होता है बेटा उसे बोलते हैं आपका, तो यहां पे लिख दीजिए आकार की और दूसरा हो गया बेटा आपका अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी रूप से क्या होता है बच्चे आपका, आकार की और अनुवांशिकी रूप से क्या होता है, मतलब बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होता है, उनके समान होते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे आकार की है, कई कई इंग्लिश में शब्द यूज हो जाता है, तो बेटा इसे बोला जाता है आपका मॉर्फोलॉजिकल, क्या बोला जाता है इसे बेटा आपका, मॉर्फोलॉजिकल। अनुवांशिकी है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, इसे बोला जाता है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। तो यहां से आपने अलैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में एक पॉइंट और जान लिया, अलैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में हमने यहां पर एक पॉइंट और जान लिया जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए अब बात आती है अगले पॉइंट की, सर कुछ और भी बता दीजिए। तो बेटा यहां पे अनुवांशिक रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो याद रखना कि हाँ ये सवाल आपसे ऑब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है, कई बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उसे पूर्वजक यानी क्लोन कहते हैं। याद रखना कि इस यहां पे जो संतानें, ये जो संतानें उत्पन्न होंगी ना, ये जो संतानें उत्पन्न होंगी इन्हें क्या कहते हैं बच्चे आपका, इन्हें पूर्वजक, यानी जो इनके पूर्वज हैं बिल्कुल डिट्टो उनके कॉपी, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आपका क्लोन, ठीक है, पूर्वजक यानी क्लोन कहते हैं। जो संतानें अलैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें आपका क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, उन्हें आपका क्लोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है और इसे एकल जीव जनन कहते हैं, ये हमने पढ़ा। क्यों कहते हैं बेटे एकल जीव जनन, तो यहां पर एक बार इसे हाईलाइट करके भी लिख देना, ये जो लिखा गया ना आपका
एकल जीव जनन कहते हैं, तो सीधा इसका लिख देना, क्योंकि क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है, तो इसलिए इसे एकल जीव जनन कहते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं, अच्छा मेन चीज है बेटा, एक आप पढ़ेंगे जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक शब्द आएगा आपका गैमेट्स, जिसे बोला जाता है आपका युग्मक, ठीक है, एक शब्द होता है गैमेट्स जिसे बोला जाता है आपका युग्मक। अब जो ये युग्मक होते हैं, याद रखना, जो युग्मक का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे मेल है, ठीक है, मेल से कुछ गुण निकले, फीमेल से कुछ गुण निकले, दोनों गुण मिले और उसने संतान को कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्योंकि इसके अंदर अलैंगिक जनन में पेरेंट्स ही एक है, मम्मी पापा अलग अलग नहीं है, इसमें केवल एक ही जना था और उसी से दूसरी संतान बन गई, तो इसमें आप सीधा कह सकते हैं सर इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, यानी युग्मक का निर्माण नहीं होगा। आप लिख देंगे सर इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, यानी इसके अंदर आपके जो गैमेट्स हैं, आप सीधा सीधा हाईलाइट करके लिखना कि सर इसके अंदर जो हमारे गैमेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे गैमेट्स हैं उनका निर्माण नहीं होता है, ठीक है, ओके। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो सीधा सीधा पूछ ले कि सर मुझे यहां पे ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं बच्चे, आपका और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। हमने कहा ठीक है अलैंगिक जनन के बारे में ये देख लिया, और क्या हो सकता है इसमें बेटा, होता क्या है, एक शब्द आता है आपका जिसे क्या बोला जाता है आपका, इसे बोला जाता है आपका मैटोटिक डिवीजन, इसे बोला जाता है मैटोटिक डिवीजन यानी सूत्री विभाजन, यानी ऐसे समझो कि ये एक चीज थी, इसका विभाजन इस तरीके से हो गया, अब ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, जैसे गुलाब का पेड़ आता है बेटा, गुलाब की टहनी को क्या करो, आपने टहनी तोड़ के गाड़ दो, फिर एक नया गुलाब उगाता है, तो इसे बोलते हैं आपका सूत्री विभाजन। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा है तो कुछ तो हो रहा होगा, तो वो जो कुछ तो है वहां पे आप लिख देंगे कि सर इसमें इसमें सूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, सूत्री विभाजन, जिसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, आपका इंग्लिश में आप जरूर याद रखना मिटोटिक डिवीजन, क्या बोलते हैं इसे, मिटोटिक डिवीजन होता है, समझ में आया। अब इसमें बच्चे कैसे बन रहे हैं बेटा, इसमें जो सेल्स होते हैं वही डिवाइड हो गए अपने आप ही, उनसे नई सेल, मतलब सेल 200 में डिवाइड हुई तो दो नई सेल बन गई, उससे 400 में चार नई, बस ये समझ लो कि एक तरीके से रक्त बीज हो रहा है, था ना, माता काली ने जैसे श्रृंगार किया था, पूरा रक्त लिया और एकदम से स्वाहा, वही कि रक्त की जितनी बूंदे गिरी उतने ही रक्त बीज खड़े हो गए, तो बस यही लगा लो कि इसमें क्या होता है कि इसमें सूत्री विभाजन होता है केवल। और एक शब्द आता है बेटा आपका सोमाटोजेनिक, सोमाटोजेनिक शब्द होता है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि इसमें कायिक जनन होता है, हाँ एक होता है कायिक जनन अकायिक जनन, आगे पढ़ेंगे तो आप, या फिर आपका जिसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं उसे आप कह सकते हैं आपका सोमाटोजेनिक, ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इसी में कंटिन्यू करते लिख दीजिए, इसमें कायिक जनन, कायिक जनन, ठीक है, होता है, लिख दीजिए, इसमें कायिक जनन होता है।
अब इसके अलावा और क्या क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं, और क्या क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में, चलो देखते हैं। हमने यहां पे ये सारी चीजें देखी बच्चे, आई होप कि आपको यहां तक किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है कि यहां तक तो एक्चुअली किसी भी चीज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर हो तो आप बता सकते हैं बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरीके का कोई डाउट है तो बेटा वो क्लियरली बता सकता है, ठीक है? चलिए अगला देखो, और क्या क्या इसके आपके अंदर क्या हो सकता है। अच्छा, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक शब्द होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आपने देखा होगा किसान क्या करता है, बीज लेता है, जैसे धान है, धान को बोने से पहले क्या करेंगे, उसे कुएं में या पानी में डुबो के रखते हैं बीजों को, हल्के से वो फूल जाते हैं, फिर उन्हें जाके छिड़कते हैं, छिड़कने के बाद में वो वहां से उगता है, उगने के बाद में जैसे हल्का सा बड़ा होता है फिर उसे उखाड़ ले जाते हैं और फिर उसे अलग अलग रोप देते हैं, ये प्रोसेस होता है। सेम ऐसा ही आपका बच्चे के अंदर, जब बच्चे का जैसे मेल का और फीमेल का जब आप फ्यूजन कराते हैं तो उसके बाद जो बच्चा बन रहा होता है ना, उस बच्चे का पूरा प्रोसेस ऐसा होता है। तो वहीं पे एक आता है निषेचन शब्द, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, अंडे का फर्टाइल होना, उसके अंदर भ्रूण का बनना और भ्रूण के बाद तो उसमें बच्चे का बनना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस क्या इसमें होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एग फॉर्म नहीं हो रहे हैं ना, इसमें एग फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर बेटा जिसको भी कुछ भी डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है? तो आप यहां पे लिख देना कि इसमें निषेचन बेटा आपका फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं आपका, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है। निषेचन क्या होता है बेटा आपका? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? फर्टिलाइजेशन आपका निषेचन हो गया। क्या इसमें होगा? नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें निषेचन नहीं हो रहा है। निषेचन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, कि मतलब मेल का एग फीमेल के अंदर जाने के बाद में उसमें फर्टाइल हो रहा है, उसमें पनप रहा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट होता है इसमें। तो इसीलिए इसमें क्लोन बनते हैं, ठीक है? इसीलिए इसमें क्या होते हैं बेटा आपके? क्लोन बनते हैं। तो चलो क्लोन का तो हमने पहले लिख लिया था पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट में हम यही लिखते हैं आपका कि इसमें क्या होता है बेटा आपका? निषेचन होता है, ठीक है? ओके, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे आपका, अगला पॉइंट क्या है आपका इसमें, और क्या क्या होता है आपका? तो आप यहां पे एक चीज कह सकते हैं, देखो हाँ एक चीज और आपने देखा होगा बेटा, महिला पुरुष, जैसे अब मैं नॉर्मली ह्यूमन और पेड़ को लेकर बात कर रहा हूं, ह्यूमन में महिला और पुरुष अगर संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ विशेष पार्ट होते हैं, कुछ विशेष अंग होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है? बट यहां पर पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए विशेष जनन अंगों का विकास नहीं होता है, ठीक है? एक इसका पॉइंट ये हो जाता है, आप सीधा लिख दीजिएगा कि सर जनन के लिए, किसके लिए बच्चा आपका? जनन के लिए विशेष अंग लिख दीजिए आप, या विशेष जनन के लिए विशेष जनन अंग लिख देता हूं मैं, है ना? जनन अंगों का विकास नहीं होता है। यहां पे आपसे कह रहा है कि सर जब आप जनन करते हैं तो जनन के लिए विशेष अंगों का विकास नहीं होता है। मैं आपको ये तो बेटा आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो ह्यूमंस होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप रिप्रोडक्शन की क्रिया को कर पाते हैं। बट जो आपका अलैंगिक जनन है इसमें आपको कोई भी ऐसे नहीं होता है कि भाई
अच्छा एक बात बताओ, पेड़ में, पेड़ पौधों में क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है? नहीं बता सकते ना, लेकिन वहां पर पुरुषों में या नॉर्मल जानवरों में ये देख के बता सकते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज को समझ लीजिए। अब अगर बात करें संतान हो या जो भी जनक होते हैं, मतलब जो पैदा कर, पेरेंट्स और बच्चे दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्रों की संख्या, उनकी संरचना, उनके जीन्स समान रहेंगे। तो एक पॉइंट याद रखना, यहां पर लिखना गुणसूत्र गुणसूत्र संख्या, ठीक है, जीन्स, पहनने वाली जीन्स नहीं बे, जीन्स, ठीक है, गुणसूत्र संख्या, ठीक है, जीन्स, और आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर आपका संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना समान होती है। क्या होते हैं बच्चे आपकी? समान होती है। जबकि जानवरों में, ह्यूमन बींग्स में इस तरीके का नहीं होता है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो अभी आप अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन भी आप पढ़ेंगे, तो उनके साथ जब मैं आपको बताऊंगा ना इन दोनों के अंदर डिफरेंस और ये सारी चीजें, वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये और भी अच्छे से वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अलैंगिक जनन के बारे में देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, लैंगिक जनन की दर तीव्र होती है या अलैंगिक जनन की? लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा आपका, कि जैसे मेल है वो एक बार में एक ही बच्चा उत्पन्न कर पाते हैं, मे बी दो कर लिया, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को छोड़ दो तो अलग बात है, वरना नॉर्मली जुड़वा हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है नॉर्मली, तो एक होता ही होता है, जुड़वा भी हो जाते हैं थोड़ा रेयरली, ऐसा नहीं होता कि उसके चार पांच बच्चे हुए हैं, है ना? तो एक्चुअली होता क्या है, आप कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है वो स्लो होता है, लेकिन अलैंगिक जनन दर अपेक्षाकृत तीव्र दर होती है। यानी आप एक तरीके से ऐसा है कि अगर आप कहीं पर जंगल उगाना चाहते हैं, पहाड़ों में जंगल उगाना चाहते हैं, तो वहां पर बहुत आसानी से एक पेड़ से भी जंगल उगाया जा सकता है। आप ले लीजिए गुलाब का पेड़, या घास ले लीजिए, घास के पत्ते ले लीजिए, चारों तरफ बखेर दीजिए, घास ही घास हो जाती है। तो आप कह सकते हैं अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये जनन दर अपेक्षाकृत क्या होता है बेटा आपका, तीव्र दर से होती है। यहां पे लैंगिक अलैंगिक की अपेक्षा कर रहे हैं, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे अदर उससे कंपैरिजन मत करना। ठीक है, अच्छा एक चीज और बच्चे याद रखना, जैसे एक नॉर्मली सी मैं एग्जांपल दूं आपको, मुझे बताना क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है, या मैं गलत हूं। एक ह्यूमन है, वो अगर आपने देखा होगा जैसे अंटार्कटिका पर रह रहा है, ठीक है, वहां पे भी लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, अफ्रीका में गर्म माहौल है वहां पे भी बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? यानी ह्यूमन बींग के बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि भाई कि ह्यूमन के बच्चे हैं या जानवर के बच्चे हैं वो केवल सर्दियों में पैदा होंगे या गर्मियों के मौसम में पैदा होंगे या बारिश के मौसम में। बट जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर पेड़ पर्टिकुलर मौसम में उगते हैं, है ना? मतलब ऐसा नहीं, मौसम में नहीं, भरी सर्दी में अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो वो पेड़ नहीं उग पाएंगे, भरी गर्मी में लगा रहे हो तो नहीं उग पाएंगे। मतलब एक इनका ये होता है कि जो तापमान और भोजन की जो परिस्थिति होगी उसके अनुकूल ही ये डेवलप होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट इसके अंदर कि ये जो होते हैं ये ताप तथा भोजन के, अब जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर तो बेटा बहुत सारा आम के पेड़ उग जाने चाहिए थे, आपने देखा होगा सीजन में उगते हैं फिर दोबारा सारे वैसे हो जाते हैं,
ठीक है, तो आप कह सकते हैं यह ताप एवं भोजन के अनुकूल एटमोस्फेयर में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ताप तथा भोजन के अनुकूल परिस्थितियों, ये ताप तथा भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं। ठीक है, जो भी लिखा रहा हूं ये साथ के साथ आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। अगर आप साथ के साथ नोट करते जा रहे हैं तो ही फायदा है, वरना इसके लिखाने का भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी एग्जाम्पल के तौर पर डाल दो किस किस में बेटा। जैसे अलैंगिक जनन बेटा आपका बैक्टीरिया में होता है, शैवाल होता है, प्रोटोजोआ होता है, इन सारी चीजों में होता है। तो आप यहां पे उदाहरण के तौर पे लिख दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर डाल दीजिए आप जीवाणु बैक्टीरिया हो गया बेटा आपका, शैवाल, प्रोटोजोआ, ईटीसी। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा बेटा आपका अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है कि अलैंगिक जनन जो होता है आपका किस तरीके से होता है, क्या चीजें होती है। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए, अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाए, अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाए, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं, ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा, ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है, और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड जरूर याद रखिएगा क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9129283665। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।